बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी और बहुत ज़्यादा झटपट वे में कम इंग्रीडियंट्स में बन जाने वाली मज़ेदार सी दूध वाली सेवैयाँ बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी बनाने सिखाऊंगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जो है वो एक पॉट लेंगे। पॉट के अंदर हमने तकरीबन भी एक प्याली के करीब जो है वो घी लेना है। घी को अच्छा सा मेल्ट कर लेना है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम तकरीबन भी एक प्याली के करीब जो है वो तोड़ी हुई बिल्कुल बारीक वाली सेवैयाँ ऐड कर देंगे। सेवैयाँ ऐड करने के बाद इसे हम अच्छा सा लाइट सा कलर दे देंगे, फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे। एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो ये देखिए जी, हमने सेवैयों को अच्छा सा फ्राई कर लिया है, एक अच्छा सा कलर आ गया है, सेवैयों ने अपना कलर चेंज कर लिया है, खुशबू आने लगी है। तब हम इसे स्टेज पे 4 से 5 इसके अंदर हमने जो है वो किशमिश ऐड कर दिए, 3 से 4 इसके अंदर हमने जो है वो हरी इलायची ऐड कर दी, यानी कि छोटी इलायची ऐड कर दी है। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे सेवैयों के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन भी 3 कप के करीब जो है वो दूध ऐड कर देंगे। तो याद रखिएगा, 1 कप सेवैयों में मैंने जो है वो 3 कप के करीब जो है वो पका हुआ यानी कि बॉयल दूध ऐड किया है। बॉयल दूध ऐड करने से ये होगा कि आपकी सेवैयाँ बहुत ज़्यादा जल्दी से पक जाएंगी, गाढ़ी हो जाएंगी, थिकनेस से भी बहुत ज़्यादा अच्छी सी बन के आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, हमने तकरीबन भी एक प्याली, यानी कि जो प्याली का हिसाब होता है आप वो ही ले लीजिएगा। जो एक प्याली सिंपल मैंने सेवैयों में 3 प्याली जो है वो दूध ऐड किया है। इसे अच्छा सा हम बॉयल करने रखेंगे। जब बॉयल स्टेज पे आने लगेगी सेवैयाँ तब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 कप के करीब जो है वो चीनी ऐड कर देंगे, या चीनी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से 1 कप के करीब इसमें चीनी ऐड की है। मेजरिंग के हिसाब से परफेक्ट जो है वो हमारी ये सेवैयाँ बनकर रेडी हुई थी। तो ये देख सकते हैं आप, चीनी हमने जो है वो ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने के बाद इसे हम तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे। इस तरह से हमारी सेवैयाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी और दूध भी जो है वो अच्छी तरह से जो है वो मिक्स होने लगेगा सेवैयों के अंदर। और जितना हमने जो है वो इसे खुश करना, यानी कि दूध को अच्छा सा जो है वो मिक्स करना है, मेल्ट करना है, जितना भी हमने गाढ़ा करना है तो वो तमाम जो है वो होता जाएगा। तो तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक इसे हमने अच्छा सा कुक किया। तो देख सकते हैं आप, ये अच्छी तरह से जो है वो कुक होने लगा है। तकरीबन भी 8 से 9 मिनट तक इसे हम और भी ज़्यादा कुक करेंगे। तो देख सकते हैं आप, दूध भी अच्छे से जो है वो गाढ़ा होने लगेगा। देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा जो है वो दूध गाढ़ा हो चुका है और जो है वो सेवैयाँ भी कितनी अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुकी हैं। तो इसे हम तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक दोबारा से इसे अच्छा सा कुक करेंगे। इसके बाद इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो खोपरा और जो है वो कुछ बादाम इसके अंदर ऐड कर दिए थे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसे हमने तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से कुक किया था। तो बेहतरीन सी हमारी जो है वो दूध वाली सेवैयाँ बनकर रेडी हो गई थी। एक ये टिप्स ज़रूर से याद रखिएगा, जितना हम जो है वो इसे पकाएंगे उतना ही दूध गाढ़ा होगा और सेवैयाँ बहुत ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त सी, बहुत ज़्यादा जो है वो डिलीशियस सी, लेस वाली जो है वो सेवैयाँ बन के रेडी होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम सेवैयाँ बनाते हैं दूध वाली तो दूध अलग रह जाता है और सेवैयाँ अलग हो जाती हैं, लेकिन सेवैयाँ कुक हो जाती हैं लेकिन जो है वो दूध गाढ़ा नहीं होता। तो वो बस जल्दी से ही बना के जो है वो निकाल लेते हैं। तो उन्हें चाहिए कि आप इसे जो है वो तकरीबन भी 15 से 20 मिनट के दौरान इसे अच्छा सा कुक किया करें, यानी कि दूध को जितना पकाएंगे, जितना गाढ़ा, जितना थिक करेंगे उतना ही बहुत ज़्यादा यम्मी सा जो है वो फ्लेवर बन के आएगा। तो देख सकते हैं आप, हमारी यम्मी सी, फ्लेवरफुल सी, अमेजिंग सी हमारी जो है वो लेसदार दूध वाली सेवैयाँ बन के रेडी हो चुकी है। ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा लिक्विडी, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा जो है वो थिक सी हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसे ना तो जो है वो ज़्यादा लिक्विड सा रखा है और ना ही ज़्यादा जो है वो थिक किया है, नॉर्मल सा रखा है। यानी कि लेसदार इसलिए रखा है क्योंकि हम जब इसे ठंडा करें, ठंडा करने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा थिक सी हो जाएगी। चाहें तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें या चाहें तो आप इसे जो है वो फ्रीज़र में रख के ठंडा करें, ये दोनों ही सूरत में बहुत ज़्यादा थिक सी हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसे बिल्कुल नॉर्मल रखा है। तो ये वाली सेवैयाँ अगर आप मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आपकी फ्रीज़र में रखने के बाद ही बहुत ज़्यादा जो है वो
हार्ड सी थिक सी नहीं होंगी, नॉर्मल रहेंगी और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवर देंगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।